ये सीडी देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि मेरी क्लाइंट आयशा सरीन बेगुनाह है। आई नीड योर परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि अदालत में 2 मिनट के लिए अंधेरा कर दिया जाए ताकि हम सब लोग मिलके ये सीडी देख सके। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। नैना मेरी बहन नहीं, जो लड़की आप सबके सामने है वो लक्ष्मी माता। आयशा सरीन ने बिल्कुल सही कहा था, लक्ष्मी माथुर जिंदा है और वो आप सबके सामने अंधी बनने का नाटक कर रही है। दरअसल लक्ष्मी माथुर ने मुझे अपनी बातों में फंसा दिया था। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि आयशा सरीन उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी। लक्ष्मी माथुर ने आयशा सरीन को एक्सपोज करने के लिए मेरी मदद भी मांगी और लक्ष्मी माथुर की बातों में आकर मैंने मॉक से एक बॉडी चुराई और ये साबित कर दिया कि वो बॉडी लक्ष्मी माथुर थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डीएनए की रिपोर्ट को भी मैंने बदल डाला। इसी दौरान मुझे पता चला कि आयशा सरीन बेकसूर। दरअसल लक्ष्मी माथुर आयशा सरीन से बदला लेना चाहती थी, उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। आज मैं सच सबके सामने बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो आयशा सरीन जो बेकसूर हैं वो खून के इल्जाम में फंस जाएंगे। मैं जानता हूं कि सच बोलने के बाद मेरे खिलाफ इंक्वायरी होगी, मुझे शायद सस्पेंड भी किया जाएगा, लेकिन अब मैं झूठ का सहारा नहीं ले सकता। मिसेज आयशा सरीन, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जो कुछ मैंने आपके खिलाफ किया। I'm really sorry। असली गुनहगार लक्ष्मी माथुर। मैं अपना ये कन्फेशन बिना किसी दबाव और बिना किसी लालच के दे रहा हूं। क्या बकवास है ये आदमी झूठ बोल रहा है, बंद करो इसे। जज साहब, ये सब बकवास है, सब झूठ है। जिस तरह से वकील साहब आयशा सरीन के पिट्ठू बने ना, उसी तरह से ये भी उसका पट्टी बन गया। इस औरत ने इसे भी खरीद लिया है। लगता है आप भी कुछ ज्यादा फिल्में नहीं देखते। बंद करो इसे। मिस्टर करण, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। बेईमान न्यू राठौर, क्या समझता है तू अपने आप को? दोगले इंसान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। यहां नहीं बैठना। ऑनर, ये सीडी देखने के बाद अब कुछ भी प्रूव करने को रह नहीं गया है। लेकिन मेरे काबिल दोस्त मिस्टर दफ्तरी ने कहानी को बेहद दिलचस्प तरीके से बयां किया था, इसलिए अब मैं उसी कहानी को सही ढंग से पेश करना चाहता हूं। यस योर ऑनर, ये जलन और जुर्म की एक क्लासिक कहानी है, लेकिन जलन उसे होती है जिसके पास कुछ नहीं होता, ना कि उसे जिसके पास सब कुछ होता है। लक्ष्मी माथुर एक छोटे से शहर जोधपुर से हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। ये किसी भी कीमत पर हीरोइन बनना चाहती थी और कामयाबी के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। यहां तक कि मेरी क्लाइंट आयशा सरीन जी के यहां इसने नौकरी भी की, लेकिन मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि तब भी इसने झूठ बोला और अंधी होने का नाटक किया। फिर कंटेस्ट में शामिल होने के लिए करण रॉय को फंसाया और कंटेस्ट जीतने के बाद सरीन खानदान के छोटे बेटे समर सरीन को फंसा लिया। और जब एमएमएस कार्ड में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई तो अपने मर्डर की कहानी घड़ दी। एक तीर से दो निशान, आयशा सरीन जी को रास्ते से हटाने के लिए इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया। ये
सीडी गवाह है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, इस सीडी से कुछ भी साबित नहीं होता। दफ्तरी साहब, आपने मेरे क्लाइंट पर एक सीडी के थ्रू इल्जाम लगाया था। और ये जो गवाही दी है अभिमन्यु राठौर से, उससे भी कुछ साबित नहीं हुआ। मिस्टर दफ्तरी, आप एक मुर्दा केस में जान फूंकने की कोशिश मत कीजिए। और रही बात लक्ष्मी की, अरे उसने तो दुनिया के अपने घर वालों तक को नहीं बख्शा है। उसने अपने सामने अपने पिता और अपने परिवार वालों को नहीं पहचाना। बोलो लक्ष्मी, क्या तुम्हें इनकार है? अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो लक्ष्मी माथुर, एक नजर अपने परिवार की तरफ देखो, उसके बाद फैसला लो। मिलोर्ड, मेरे काबिल दोस्त अदालत को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं लक्ष्मी माथुर। हमारी लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी है ये। ऑर्डर ऑर्डर, आप लक्ष्मी माथुर या जो कुछ भी है यहां कटघरे में आकर बोलिए, और आप सब बैठ जाइए प्लीज। मैंने ही ये सब कुछ रचा है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आयशा जी का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके, और फिर कोई भी लक्ष्मी मातुर आयशा सरीन के हाथों मारी नहीं जाए। लेकिन आप तो आयशा सरीन जी को अपने ही कत्ल के जुर्म में उम्र कैद दिलवाना चाहती थी। नहीं माय लॉर्ड, मैं सब कुछ बताने वाली थी, एक बार आयशा जी अपना जुर्म कबूल कर लेती। मुझे हंसी आती है आपकी दलील पर। मेरी क्लाइंट आयशा सरीन जी को या तो सजा होती या तो नहीं होती, लेकिन कबूल करने की तो कोई नौबत ही नहीं आती, वो भी एक झूठे केस में जो हुआ ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसमें भी आपकी कोई चाल थी कि एक बार आयशा जी हार जाए तो फिर आप उनको सेटलमेंट के लिए कहती कि वो आपको दुनिया की नजर में महान बना दे आप पर हुए जुल्म की दास्तान दुनिया को बताकर? और हाँ, क्योंकि MMS कांड के बाद लोगों की नजर से आप गिर चुकी थी और आप उनकी नजर में फिर से चढ़ सकती थी। Your Honor, मैं यह बात अदालत को बताना चाहता हूँ कि MMS कांड के बाद लक्ष्मी माथुर की बहुत बदनामी हो गई, इसे फिल्म से भी निकाल दिया गया था, इसके हीरोइन बनने के सपने बनने से पहले ही खत्म हो गए। और चलिए एक मिनट के लिए मान भी लिया, लेकिन आपने आयशा सरीन जी के खिलाफ मेंटली और फिजिकली टॉर्चर का केस तब क्यों नहीं अदालत में दर्ज कराया और खुद ही कानून बन के सजा सुनाने निकल पड़ी? Your Honor, अब जबकि लक्ष्मी माथुर ने खुल के सबके सामने बयान दे दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि अदालत का और वक्त जाया किया जाए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी मुवक्किल आयशा सरीन जी को बाइज्जत बरी किया जाए और इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, Your Honor. आपको इस केस में कुछ आगे कहना? No, Your Honor. अदालत आयशा सरीन को बाइज्जत बरी करती है। और अभिमन्यु राठौर को अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जुर्म में शामिल होने के लिए पुलिस की नौकरी से सस्पेंड किया जाता है और एक इंक्वायरी कमीशन की गठन किया जाता है। प्रेस चार्जेस के आधार पर अगर आयशा सरीन मुकदमा करना चाहती हैं तो यह अदालत लक्ष्मी माथुर और करण राय कर नए सिरे से मुकदमा करने की ताकीद देख करती है। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। मेरी हालत इस वक्त
महाभारत के अर्जुन की तरह मेरे खिलाफ जो लोग भी थे मेरे खुद के घर वाले थे, मेरे खुद का भाई। लेकिन मैं अर्जुन की तरह शस्त्र नहीं उठाऊंगी सर, मैं कोई केस नहीं करना चाहती। कहते हैं कि सबसे बड़ी सजा वही होती है कि सजा ना दी जाए। सर मैं नफरत को नफरत से नहीं प्यार से मानना चाहती हूँ। मैं किसी पर कोई केस नहीं करना चाहती। The court is adjourned. मुबारक हो आयशा जी। Thank you. Thank you. So happy. Mention that. तुम ऊंचा उड़ना चाहती थी ये तो सबको पता था, लेकिन उसके लिए तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी लक्ष्मी ये नहीं जानते थे। तुमने अपना, अपने परिवार का, अपने संस्कारों का, हमारे परिवार का, सबका मजाक उड़ा है। रहने दो आशा, गलत और मतलब लोगों के मुंह लग के फायदा नहीं। लक्ष्मी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ साफ साफ हो गया। तुम्हारे लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया लक्ष्मी, अपने दिल में जगा दी, अपने घर में जगा दी, तुम्हें इज्जत प्यार मोहब्बत सब कुछ दिया, और तुमने, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना भी कर सकता है, मक्कारी की भी हद होती है। से एक गुजारिश है तुम दोनों से, करण तुमसे भी, हमारी जिंदगी में और हमारे घर के आसपास भी और लक्ष्मी खास तौर से समर के पास नजदीक भी आने की कोशिश मत करना। बहुत दुखती है तुम लोगों ने, बस कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी लक्ष्मी ने अपना झूठ खुद कबूल लिया है, अब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर कुछ कहना था तो हियरिंग से पहले कह। हाँ समर, मैं जानती हूँ कि तुम उनकी तरफ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मर चुकी है मेरी लक्ष्मी मेरे लिए। ये तुमकी हमारी लक्ष्मी है। ये मुझसे हमारी कोई फिक्र नहीं, तो हमें भी उससे कोई वास्ता नहीं रखना। चलो यहाँ से। बच्ची है, बच्ची है, माफ कर दीजिए। तुम चल रही हो या मैं? ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन अभी मेरा दिल इतना सख्त नहीं हुआ है कि मैं अपनी बच्ची से मुंह मोड़ कर चली जाऊं। लक्ष्मी तू इतनी कठोर कैसे हो गई? अपने पापा, अपनी बुआ को दर्द में देखकर भी तेरा दिल नहीं पिघला? बोल। मजबूर थी मैं। पापा, 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 आई एम सॉरी। कोई हक नहीं है किसी को भी, कोई हक नहीं है मुझसे मेरी बच्ची को छीनने का।
किस हक से तुमने मेरी बच्ची को हम सबके लिए मार दिया? कोई हक नहीं था तुम्हें? मेरी मेरी बच्ची को तुम कहती हो कि बचपन से यही करती आई हो? मैं इस बार माफ नहीं करूंगा ऐसे। बहुत दिन दूर रखा है मेरी लक्ष्मी से। कोई हक नहीं था तुम्हें। एक बार के भी तुमने नहीं सोचा कि हम लोगों पर कर जाएंगे बेटा। क्या किया तुमने लक्ष्मी के साथ? हाँ, उसे तो बहन माना था ना तुमने? हाँ, इस तरह से रक्षा की तुमने अपनी बहन की? गलत साबित कर दिया ना तुमने उसे कोर्ट में। बहुत बड़े दोगले इंसान निकले तुम तो, बहुत बड़े दोगले इंसान। देखो पहले मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत अफसोस है। बस अभिमन्यु, बस आयशा सरीन का तुम टट्टू बन के रहे। हमारे साथ इतने दिन तुमने गुजारे और एंड में जाके उसकी वफादारी की तुमने? तुमने हमारे साथ नमक हरामी नहीं की? बस मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी कभी मत समझना। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? पुलिस से सस्पेंड किए गए तुम, क्या कर लोगे बताओ? करण अपनी हद में रहो। अभिमन्यु मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्यों किया? इसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, बोलो क्यों किया? तो फिर मुझे एक बात बताओ करण, तुमने ये सब कुछ सिर्फ आयशा से बदला लेने के लिए किया? जुनून से तुम उसे बदला ले रहे थे, सिर्फ ये उसकी वजह नहीं हो सकती। उसकी वजह कुछ और है, और उसकी वजह ये है कि तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो। उसके आंसू उसके तड़प तुमसे देखे नहीं जाते। करण हम दोनों ने जो कुछ भी किया है ना वो सिर्फ एक चीज के लिए किया है, और वो एक चीज है प्यार। मिल गया तुम्हें तुम्हारे क्यों का जवाब। प्यार? वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये तुम नहीं जानते करण। मैं आयशा सरीन को अच्छी तरह से जानता हूं अभिमन्यु। वो किसी से प्यार नहीं कर सकती है सिवाय खुद के। तुम्हारा केस और मेरा केस बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्मी ने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, वो तो यहां से जाना चाहती थी, सब कुछ छोड़ के जाना चाहती थी। मैंने उसे नैना राठौड़ बनने में उसकी मदद की है, लेकिन तुम्हारा तो आयशा सरीन ने पहले भी इस्तेमाल किया था और अब भी किया है। प्यार, माय ब्लडी फुट। हालात और मजबूरी इंसानों के रास्ते बदल देते हैं करण, लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल अपने प्यार को कभी भूलता नहीं है। अब तक मुझे यही लगता था कि सिर्फ मैं आयशा को अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूं, लेकिन नहीं करण, आयशा भी मुझे अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। इसका मतलब तुम उसे जान ही नहीं सके। बेवकूफ बनाया तुम्हें उसने। वो हर चीज को इस्तेमाल करना जानती है और उन्हें फेंकना जानती है, और वही तुम्हारे साथ उन्होंने किया है। अरे जब उन्होंने खुद के भाई को नहीं बख्शा तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? करण इस बार मैंने आयशा के सामने सिर्फ नफरत दिखाई है, सिर्फ नफरत। उसे लॉकअप में डाला, उसके साथ बुरा सलूक किया है। उसके बाद उसे यकीन हो जाना चाहिए था कि मैं उसे नफरत करता हूं, मैं उसे प्यार नहीं करता। उसे मुझसे नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं करण, करण आयशा मुझसे प्यार करती है। करण अभिमन्यु तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। अरे लेकिन तुम अंधे नहीं, तुम तो बेवकूफ भी बन गए। इस केस में तुमने हमारा साथ दिया, आयशा सरीन के खिलाफ गए हो बिना कोई कारण के, और उनके लिए इतना ही काफी था समझने के लिए कि तुम्हारा दिल अभी भी उनके लिए धड़कता है। प्यार नहीं मिला तो नफरत बनके तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि वो तुम्हें जानती थी कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी रगों से वाकिफ थी, तुम उनके लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे। तुम्हें पता है सारी जगह से घिर गई थी, हर कोशिशें भी की थी उन्होंने, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर उनके पास हथियार था, इस टूटे हुए आशिक का दिल, लेकिन उन्होंने तुम्हारे दिल पे मलहम क्या लगाया? तुम तो अपना ईमान ही बेच के चले गए। जो इंसान
पुलिस की वर्दी में कानून को धोखा दे सकता है, उनसे गद्दारी कर सकता है, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी एक बात अपने दिमाग में रखना और उसे समझना भी, तुम धोखा दे सकती हो ना, तो आयशा सरीन भी तुम्हें धोखा दे सकती है। इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारा, एक बार फिर से। Okay.